वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हक बादल उप्रेती। गाइस, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि मोस्टली सारे बंदे उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और अपने मतलब किसी भी एथलीट के बारे में, किसी भी बॉडी बिल्डर के बारे में जब वो पोस्ट डालता है या कुछ भी डालता है उसके बारे में कमेंट कर देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि शायद ये उस लायक नहीं है जिस लेवल पे ये है। आपने कई ओलंपियाज वगैरह देखे होंगे जो आपको आपके आपके दिमाग में एक चीज़ है कि जैसे जे कटलर है, रॉनी कॉलमैन है, और आपका जो है सॉन लॉडन है, फिलीत है, ऐसे से काई ग्रीन है, उनकी बॉडी आपने देखा होगा। बहुत से ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो बहुत अच्छी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो जब उनकी पोस्ट आती है, ऐसी चीज़ें आती है, तो आप मतलब बहुत सारी क्रिटिसाइज उनके उसमें आती है। जैसे कि सॉन लॉडन का आपने ऑक्सीजन का देखा होगा, तो उसमें बहुत सारी क्रिटिसाइज हुई थी, बहुत सारे उसमें कमेंट्स ऐसे आए थे, बैड कमेंट आए थे कि भाई इसको ओलंपिया किसने बनाया, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और सेम ऐसी फिलीत के उसमें भी आया था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्यों मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ, रीज़न ये है कि अभी मैंने ऑक्सीजन की एक फोटोशूट कराया था, तो ऑक्सीजन में इट्स नॉट ऑक्सीजन कम्प्लीटली, बट ऑक्सीजन में फिसिटी करने के बाद वो अपना जो है फोटोशूट कराया था, वो फोटोशूट की मैंने एक दो फोटो डाली, तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि बॉडी अच्छी नहीं है, बॉडी में ये नहीं है, बॉडी में मसल्स नहीं है, बॉडी बल्की लग रही है, बॉडी बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे। तो उसका क्या रीज़न है, मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको कि पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में बॉडी बिल्डिंग है क्या, और बॉडी बिल्डर सालों साल तक जो है कभी भी कंडीशनिंग पर नहीं रहता है। मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले आपने इसको सब्सक्राइब जरूर करना है भाई, इस पर एक लाइक बटन है, बेल आइकन उसको सेट करना है, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंचेगी। तो गाइस देखिए, आप इस चीज़ को देखिए, ये सॉन लॉडन की जो है ऑक्सीजन की वीडियो है, ऑक्सीजन में कैसा है और सीजन में कैसा है, आप दोनों को कंपेयर करिए, आपको पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन की वीडियो कैसी है, सीजन की वीडियो कैसी है। अब आई बात आपकी जे कटलर की, जे कटलर की आप वीडियो देख सकते हो, जे कटलर की जब आप जे कटलर ऑफ सीजन में होता है तो किस तरीके से होता है, आई मीन जब भी बॉडी बिल्डर ऑफ सीजन में जाता है तो किस तरीके से, रीज़न मैं बताता हूँ ऑफ सीजन क्या है और ऑन स्टेज क्या है। देखिए, जब भी हम ऑन स्टेज जाते हैं तो ऑन स्टेज में क्या होता है, हमें बॉडी को शेडेड करना होता है, मसल्स को दिखाना होता है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करते हैं, लाइक कार्ब्स कंट्रोल करते हैं और अपना हाई प्रोटीन डाइट पर रहते हैं, प्लस इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसे जैसे एनाबॉलिक्स हो गए या फिर पेप्टाइड्स वगैरह, ऐसी चीज़ें हम बहुत चलाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी शेडेड हो जाती है, क्वालिटी जो है कंडीशनिंग हमारी जो है अच्छी होने लगती है, तो हमारा मसल्स एक छोटा छोटा मसल्स भी जो है शार्प दिखने लगता है, बॉडी की जो जो क्वालिटी है, बॉडी से अंदर से वाटर खत्म होने लग जाता है, एक्स्ट्रा फैट जो होता है फैट खत्म हो जाता है और पूरा मसल्स ही मसल्स दिखाई देता है। ये है आपका ऑन स्टेज में। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप खेलते हैं उसके बाद फोटोशूट जरूर कराते हैं, उसका रीज़न ये है कि फोटोशूट इसीलिए कराते हैं कि वो अपनी बॉडी को अच्छा दिखा सकें, अपने मतलब सोशल मीडिया पर अच्छा जो है परफॉर्म कर पाएँ या फिर अच्छा दिखा सकें, आप भी कहेंगे हाँ इसकी बहुत अच्छी बॉडी है। बट मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जब ऑफ सीजन में कोई भी बॉडी बिल्डर या कोई भी जो है चैंपियन होता है या फिर कोई भी एथलीट होता है, वो कभी भी अपनी पोस्ट को नहीं डालता है, और जब भी कोई पोस्ट डालता है लाइक जैसे मैंने डाली है, तो उसमें ऐसे ही कमेंट आते हैं या फिर ऐसी ही चीज़ आती है। बट ये साइंस है, ये हर किसी को समझ में नहीं आएगा, इवन खुद बॉडी बिल्डर जो खुद पार्टिसिपेट करते हैं वो कमेंट कर देते हैं कि बॉडी अच्छी नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत है, आपको ट्रैप की ज़रूरत है, आपको ट्राइसेप्स नहीं दिख रहा, आपका बैक नहीं दिख रहा, बैक में क्वालिटी नहीं दिख रही है, मसल्स नहीं दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, देखो जो ऑफ स्टेज में, जब ऑफ सीजन में जब बंदा होता है, आई मीन जब बॉडी बिल्डर होता है या फिर जो एथलीट होता है, उसको क्या होता है मसल्स बल्क में जो है मसल्स गेन करना होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़, बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे कि अगर किसी का ट्रैप नहीं है, किसी का जो है बैक में मसल्स नहीं है, या फिर किसी का जो हैमस्ट्रिंग नहीं है, बहुत कम है मसल्स वहाँ पर, तो ऑफ सीजन में क्या होता है मसल्स बिल्ड किया जाता है। तो जब हम मसल्स बिल्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ कार्ब फैट और प्रोटीन ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं, तो उस ड्यूरिंग में क्या होता है फैट भी बॉडी के अंदर फैट कंटेंट भी बढ़ जाता है, तो मसल्स के साथ फैट ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं। अब उस समय क्या होता है, जो मसल्स होता भी है उसके अंदर वाटर टेन होता है, क्योंकि जितना कार्ब्स लोड आप करोगे, जितना आप फैट कंटेंट करोगे, तो उसके अंदर क्या होता है आपको वाटर दिखेगा, पानी दिखेगा, बॉडी ऐसी दिखेगी गोलमोल सी बॉडी दिखेगी, तो उसमें मसल्स आपका दिखने का मतलब ही नहीं है, उसमें बॉडी फ्लैट होती है, साइज दिखेगा बट क्वालिटी नहीं दिखेगी। अगर बाइसेप्स पीक दिखाई दे रहा है तो बाइसेप्स पीक नहीं दिखाई देगा, बड़ा सा बाइसेप्स दिखाई देगा, गोल नहीं दिखाई देगा, पूरा क्वालिटी नहीं दिखाई देगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि ऑफ सीजन में फैट कंटेंट बॉडी के अंदर आ जाता है, क्यों, क्योंकि हम मसल्स के साथ साथ फैट कहीं ना कहीं हम जो है वाटर भी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर रिटेन, क्योंकि उस समय सब कुछ खाते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है एक बॉडी बिल्डर के लिए कि ऑफ सीजन में उसको मसल्स ज़्यादा गेन करना है, क्योंकि जब सीजन में वो कटिंग करेगा तो उसकी बॉडी में मसल्स ही बचेगा,
उसकी बॉडी में और कुछ नहीं बचेगा, फैट बॉडी से ख़त्म हो जाएगा, वाटर कंटेंट कम हो जाएगा और बॉडी में सिर्फ मसल्स दिखेगा। लेकिन मसल्स कब दिखेगा? जब बॉडी के अंदर मसल्स होगा। तो मसल्स बिल्ड करने के लिए ऑफ सीजन में जो है ये सब चीज़ें होती हैं। बट कई लोग ऐसे हैं जिनको कि दो दुनी चार नहीं पता हुआ, स्पेशली मैं बता दूं आपको, उनको कुछ पता होता नहीं है, उनको सिर्फ बॉडी से मतलब है कि बॉडी आपको 12 महीने जो है बॉडी आपकी सेडेड दिखनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बॉडी बिल्डिंग एक नेचुरल गेम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम चलाते हैं, ऐसी चीज़ें भी चलाते हैं कि हमारी जान तक चली जाती है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर कोई सपोज़ पेप्टाइड चला रहा है या फिर कोई भी एनाबॉलिक यूज़ करता है कुछ भी, तो 12 महीने यूज़ नहीं कर सकता उसको। अगर 12 महीने चलाएगा तो उसका लीवर, किडनी, हार्ट सब कुछ बोल जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। जो बंदा 10 साल में 15 साल में मरने वाला है वो 2-3 साल में मर जाएगा। तो माई कंसर्न इज़ दैट ओनली कि जैसे हम सेडेट करते हैं बॉडी को, तो उसमें हम जो है ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इससे हमारी बॉडी में इफ़ेक्ट जल्दी आता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, हमारा मसल्स क्वालिटी अच्छा हो जाता है, प्लस हमारा बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देने लगती हैं। बट ऑफ सीजन में हम कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं करते हैं। अगर यूज़ कर भी रहा है कोई बंदा तो जीएच यूज़ कर लेगा थोड़ा सा क्वालिटी दिखने के लिए। बट अगर कोई बंदा 12 महीने आपकी बॉडी सेडेट दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ जा रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर अगर किसी की बॉडी अच्छी दिख रही है, सेडेड दिख रही है, तो दूसरा रीज़न उसका यह है कि वो अच्छा कार्डियो करता है, अच्छा वर्कआउट करता है, वही रूटीन उसका जो क्वालिटी, वही जो उसका रूटीन है जो चैंपियनशिप के टाइम का होता है, वही रूटीन उसका जो है इस समय भी है। इसकी रीज़न से जो है उसकी बॉडी में क्वालिटी दिख रही है, उसने फैट बॉडी के अंदर गेन ही नहीं किया। दूसरी बात, वो अभी भी डाइट वही मेंटेन कर रहा है जो चैंपियनशिप के टाइम पर मेंटेन करता था। इसी रीज़न से क्या है, उसकी बॉडी में फैट नहीं दिखता है और मसल्स क्वालिटी अच्छी दिखती है। यही दो रीज़न होते हैं। बाकी कभी भी किसी बॉडी बिल्डर्स को अगर ऑफ सीजन में देखोगे आप, तो आपको हो गया यार ही इज़ नॉट अ ओलंपिया। आपने इवन जे कटलर को देख लिया होगा, सॉन लोडन को देखा होगा, तो आपने उनको ये भी देख लिया होगा कि आप उनको देख के ऐसे लगो कितना गंदा बॉडी बिल्डर है, बेकार सा बॉडी बिल्डर है। बट ऐसा नहीं है। जब वो कंडीशनिंग पाते हैं, जब वो चैंपियनशिप की तैयारी करते हैं, तो उनकी कंडीशनिंग अलग दिखाई देती है। दैट इज़ कॉल्ड ऑन स्टेज। वो ऑन स्टेज की जो उनकी जो तैयारी होती है वो अलग होती है। उसमें काफ़ी चीज़ें उनको चेंज करनी होती है, डाइट चेंज करनी होती है, प्लस अपना वर्कआउट चेंज करना होता है, प्लस अपने जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलानी होती है जिससे उनकी बॉडी में क्वालिटी दिख जाए। तो आई होप गाइस आपके दिमाग में, जिसके दिमाग में ये बात होगा या जिसको नहीं पता होगा, कई महान आत्माएं ऐसी हैं जो बगैर कुछ बोले जो है मुंह से बक देती हैं, कुछ भी बोल देती है किसी के लिए। तो उनको बकने से पहले भाई मुंह समझ लिया करो। अगर नहीं पता किसी चीज़ के बारे में तो पहले जान लिया करो कि क्या चीज़ होता है, क्या नहीं होता, और ऑफ सीजन क्या है, सीजन क्या है। अभी मैंने भी एक पोस्ट डाली थी अपने यूट्यूब चैनल पर, आपने देखा होगा, उसमें मेरी जो स्टेज की जो परफॉर्मेंस है मेरी अलग है, उसमें आपको मसल्स अलग अलग दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जो मेरे ऑफ सीजन की, उसमें ना तो ट्रैप दिखाई देता है मेरा, ना बैक दिखाई दे रहा है, ना मेरा बाइसेप्स, कुछ भी नहीं है, बल्कि सी बॉडी दिखाई दे रही है। इवन हैमस्ट्रिंग में वाटर है, ग्लूट्स में वाटर है, काप्स में वाटर है, काप में वाटर है, तो हर जगह वाटर ही दिखाई देता है। तो उसका रीज़न यही है भाई कि मैं 12 महीने जो है ठोकता नहीं रहता हूँ। मेरे को भी अपनी बॉडी बचानी है भाई, मरना नहीं है मुझे जल्दी। तो ये लोगों के अपने आपके सोच है, आप क्या सोचते हो। बट जब तैयारी करूँगा उसके बाद आपको अपनी बॉडी दिखाऊँगा, उसके बाद बताऊँगा कि कैसी होती है तैयारी। अभी आपको ये भी मालूम है कि 2 साल से तो कोरोना ने कोई तैयारी करने नहीं दिया है। 2 साल से ऐसे छोटे मोटे, अब मुझे इंडिया में तो खेलना नहीं है, खेलूँगा तो आउट ऑफ इंडिया खेलूँगा। तो अभी मेरी कोई तैयारी नहीं है। जब दिसंबर के बाद जब भी कोई चैंपियनशिप आएगी, प्रो कार्ड आएगा या फिर अनरोल क्लासिक, उसकी तैयारी मैं करूँगा। तो डेफिनेटली मसल्स बॉडी के अंदर मेरे को मसल्स क्वालिटी और बिल्ड करनी है, इसके लिए मैं अभी ऑफ सीजन में हूँ। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, इसमें एक लाइक बटन है, बेल आइकन है, उसको सेट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।